सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी धोनी के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2020 का एक और रोमांचक व सातवां T20 मुकाबला चेन्नई और दिल्ली की टीम के बीच में दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। आपको बता दें कि यह मुकाबला अपने आप में ही काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ है चेन्नई की टीम के अनुभवी खिलाड़ी तो वहीं दूसरी तरफ है दिल्ली की टीम में युवा खिलाड़ियों का जोश। चेन्नई की टीम दिल्ली की टीम के खिलाफ अपना तीसरा मुकाबला खेलने जा रही है। आपको बता दें कि चेन्नई की टीम इस टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला जीती थी तो वहीं दूसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पंजाब की टीम को सुपर ओवर में हराया था। खैर दोस्तों बात करते हैं आज के मुकाबले की। आपको बता दें कि दोनों ही टीमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। चेन्नई की टीम में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने लुंगी एनगिडी की जगह जॉश हेजलवुड को मौका दिया है। दूसरी तरफ दिल्ली की टीम में दो बड़े बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि अश्विन की जगह टीम में आ चुके हैं अमित मिश्रा और मोहित शर्मा की जगह टीम में शामिल किया गया आवेश खान को। दोस्तों मुकाबले की शुरुआत पूरी तरीके से रही दिल्ली कैपिटल्स की टीम के नाम। आपको बता दें कि चेन्नई की टीम के कप्तान धोनी ने टॉस जीता और अपनी टीम के लिए गेंदबाजी का फैसला लिया। दिल्ली की टीम को बल्लेबाजी का न्योता मिला और इसी न्योते का उन्होंने फायदा भी उठा लिया। दोस्तों सलामी जोड़ी के बल्लेबाज शिखर धवन व पृथ्वी शो दोनों ही फॉर्म में नजर आए। मैदान में उतरते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी थी। पहले पावर प्ले के दौरान दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने आप को क्रीज पर जमा लिया था। 6 ओवर खत्म करने के बाद टीम 36 के स्कोर पर पहुंची थी, लेकिन इसी के बाद दोनों खिलाड़ियों ने अपना अपना गियर बदल लिया और इस समय पर पृथ्वी शो और शिखर धवन के सामने जो कोई गेंदबाज आ रहा था उसे चौके और छक्के जरूर लग रहे थे। फिर चाहे वह टीम के गेंदबाज जॉश हेजलवुड हो या फिर रविंद्र जडेजा, हर एक गेंदबाज की जमकर धुनाई की गई। और फिर दोस्तों इसी दौरान पारी के 10वें ओवर में जब जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे तो मात्र 35 गेंदों में पृथ्वी शो ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। दोस्तों पृथ्वी शो की यह पारी दिल्ली की टीम के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि धवन और पृथ्वी शो की पार्टनरशिप ने ही दिल्ली की टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाई थी। हालांकि आगे चलकर पारी के 11वें ओवर में धवन पीयूष चावला द्वारा LBW आउट हो गए थे। साथ ही पारी के 13वें ओवर में पीयूष चावला ने धोनी द्वारा स्टंप आउट करवा दिया पृथ्वी शो को। धोनी की शानदार स्टंपिंग के आगे पृथ्वी शो का जादू नहीं चल पाया और उनका विकेट 64 रनों पर गिर चुका था। दोस्तों आपको बता दें कि शो ने 43 गेंदों का सामना किया और 64 रन जड़े थे। अब टीम की बल्लेबाजी के मोर्चे को संभालने के लिए आ चुके थे कप्तान श्रेयस अय्यर और दिल्ली की टीम के सबसे पॉपुलर बल्लेबाज ऋषभ पंत। दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के मोर्चे को जारी रखा। आपको बता दें कि एक छोर से श्रेयस अय्यर तो वहीं दूसरे छोर से ऋषभ पंत मैदान में चौके और छक्कों की बारिश कर रहे थे। आज ऋषभ पंत अपने पुराने अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए भी नजर आए। देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों ने साथ मिलकर 50 रनों से ज्यादा की पार्टनरशिप भी जुटा ली थी और टीम के स्कोर को मिलकर 160 के पार भी ले गए थे। और ऐसा लगने लगा था कि अब कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर लगभग 200 के आसपास तो पहुंच ही जाएगा। लेकिन दोस्तों यही वह लम्हा था जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया था। दोस्तों सबसे पहले तो धोनी ने पारी के 13वें ओवर में स्टंपिंग करी थी, लेकिन इस बार का कारनामा तो वाकई में देखने वाला था। दोस्तों आपको बता दें कि पारी के 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर सैम करन ने श्रेयस अय्यर को एक बेहद ही तेज तर्रार स्विंग डिलीवरी डाल दी थी, पर शॉट मारने के चक्कर में जैसे ही श्रेयस अय्यर ने अपना बल्ला घुमाया तो गेंद उनके बल्ले के किनारे पर लगकर वाइड की तरफ पीछे चली गई। तो आपको बता दें कि गेंद के पीछे जाने का समय 1 सेकंड से भी कम का रहा होगा और इसी समय में धोनी ने एक शानदार कैच पकड़ लिया डाइव मार के। दोस्तों धोनी का डाइव कितना ज्यादा हैरान कर देने वाला व उम्दा था, आम तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं और इसी डाइव को देखकर सबको पुराने महेंद्र सिंह धोनी की याद भी आ गई। दोस्तों धोनी के इसी कैच ने पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया। चेन्नई की टीम का दबदबा एक बार फिर से दिल्ली की टीम पर बन गया था। हालांकि पारी के आखिरी ओवर में स्टोइनिस और ऋषभ पंत ने मिलकर अपनी टीम के लिए 14 रन बना ही लिए थे और कुछ इसी तरीके से दिल्ली की टीम 275 रन बना पाई। चेन्नई की टीम को लक्ष्य मिला 176 का। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कहीं ना कहीं पूरा मुकाबला पलटा तो धोनी ने अपनी स्टंपिंग व शानदार कैच से, क्योंकि अगर इन दोनों खिलाड़ियों के विकेट समय पर नहीं मिलते तो स्कोर तो 200 के पार जाना तय था। दोस्तों बल्लेबाजी तो उम्दा थी आज के मुकाबले में, लेकिन धोनी की विकेट कीपिंग व कैच को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और ऐसी सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।